अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। देखिए, मैं सबसे पहले नंबर एक नाज़नीन जिद्दा जो आबिदा बोलते हैं कहते हैं, तो आबिदा या नाज़नीन जिद्दा हो, जो भी हो, तुम दो नाम है, टू इन वन नाम है, तो कुछ भी नाम रख लो, मगर आपने जो लोगों के साथ बुरा सलूक किया, बर्ताव किया, अच्छा नहीं है। आप क्या खट्टी अमली हो? क्या खट्टी अमली बन के मत रहो कंपनियों में, क्योंकि खट्टी होने से क्या होता है, पूरा भी कंपनी खट्टी हो ख़राब हो जाएगी। तो आपकी वजह से पूरी कंपनी ख़राब हो रही है, समझे? तो कंपनी में जो काम वर्कर्स करने वाले, जो सीईओ के नीचे काम करने वाले थे ही, तुम्हारी वजह से तो सीईओ की कंपनी चलेगी। जब आप खट्टी अमली बन के रहेगी के तो पूरा आपा का कंपनी गई काम से, समझे? तो तेल लेने गई आपा की कंपनी, आप आपा की कंपनी को तेल लगा रही हो, तेल में डाल रही हो, तो आप किस तरह से काम करना है मालूम है? जितने भी आपा के जो कंपनी में काम करने वाले हैं, एकदम स्माइली स्वीट की तरह बात करना है, मीठी तरह से बोल, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, हर चीज़ को सर हलाते हुए, जी सर, यस सर, यस मैडम, जी मैडम, हाँ मैडम, ऐसा, हाँ सर, ऐसी बात करके तो कस्टमर को अच्छी तरह से उनको लेना है, तो तभी तो कंपनी आगे बढ़ेगी। आपा को भी अकल नहीं है कि आपा ऐसे खट्टी इमलियाँ को रखती है, तो आपने पैर पे खुल्लाड़ी मार रही है आपा ऐसे लोगों को रख के। तो इसलिए आबिदा मैडम, मैं कहती हूँ, देखो काम करे तो अच्छा काम करो, समझे? आपको भी अच्छा पेमेंट मिलेगा, जो क्या बोलते हैं, जो सैलरी, आपकी भी अच्छी सैलरी मिलेगी, क्योंकि आपा देखती है, चलो मेरे कस्टमरों की तरफ से कस्टमर आए, मेरे जो वर्कर्स काम करने वाले सही तरह से कंपनी को आगे बढ़ाए, अच्छा काम किए हैं, लोगों के साथ अच्छा सलूक है, तभी तो आपको एक टॉफ़ी मिलेगी, एक गिफ्ट मिलेगा, समझे? तो आप जो काम कर रहे हैं बहुत ख़राब है, सब आपके लोग खिलाफ में ही, इन्वेस्टर हो या नॉन इन्वेस्टर हो या दुश्मन हो, सब आपके खिलाफ में ही, क्यों ही तुमने वैसा बर्ताव किया है? जब कंपनी को आए या घर पे आए, कोई भी आए, उसको धतकारना नहीं है, उसके साथ अच्छा सलूक करना है, समझे? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी सहाबियाँ थे, वली हैं, सब गरीबों के साथ, यानी कि घर को जो भी फकीर मांगने आता है उसके साथ भी अच्छा सलूक करना है, जो मेहमान आता है उसके साथ अच्छा सलूक है, जो कारोबार के लिए आता है उसको सलाम, जब वो तुमको सलाम करते ही आइए, बैठिए, पधारिए, बैठिए, आपकी क्या है, फरमाइए, तो ऐसी बात करके लोगों की पूरी तरह से तफसील सुन के उनको जो तसल्ली देना है, जो उनको बात करना है, बात करके आप उनको सुलझा के भेजना है। उनके साथ तुम इतना जोर शोर किया तो बताओ, तो लोग आएंगे क्या कंपनी को? का बताओ, भरोसा करेंगे क्या? आपकी वजह से लोग, पूरे लोग भरोसा, सब लोगों को भरोसा उड़ गया है। आपा कैसी औरत को रखी है, कैसे के कस्टमरों को कस्टमर हैंडल करने नहीं आता है, ऐसे DSMS को रखी है, ऐसे जो वर्कर्स को रखी है, अरे वर्कर्स सही रखती तो हम आते थे। तो याद रख लो, कंपनियों में काम, जो भी अपनी कंपनी, आपा की कंपनी बनना है तो अच्छे से वर्कर्स को रखना है। ये उल्टे सीधे, ये जो मतलब ही के जब चाहे आपा नहीं रही तो नहीं रहना, आपा आई तो आना, अपने मकसद के वास्ते नहीं आना, समझे? तो काम करो तो काम अच्छी तरह से करो, नहीं तो कंपनी से निकल जाओ, समझे? दूसरे भी आ जाएंगे। और रही बात आबिदा मैडम, आपने जब आपा ने जेल में थी तो उस वक्त आपने एक बार भी, तुमने जेल में थी आपा उस वक्त, तो आपने दुबई भाग गई, मैं तो देखा नहीं, मैं तो सुना नहीं, ये ग्रुपों में सुना है, मैं बोला है, समझे? तो उस वक्त में तुम चले गई, अरे तुम जिद्दा चले गई तो वहां से भी तो कहीं आवाज उठाई नहीं उठाई, सुम्मुम उकमुन उमीन फहुम ला इर्जियुन हो गई आपने, एकदम से खामोश, मुंह को सिंह ताला लगा के बैठ गई थी। जब आपा रिलीज होके आते ही तुम फौरन भाग के आई, किस लिए आई? अपना मकसद,
अपना काम बनाने के लिए आई। चलो आप आ गई, अब मेरा काम बन जाएगा, अब मेरी नौकरी मिलेगी, मेरे को सैलरी मिलेगी, मैं आपसे झुमको रहूंगी, मुझे 1 रुपए की जगह 10 रुपए मिलेगा, मैं फायदे में हूँ, मैं हेड बनूंगी, आप आके बाजू में एक राइट हैंड रहूंगी तो मेरे को फायदा होएगा, मैं अच्छा हैंडल करूंगी। अरे क्या हैंडल कर रही हो बताओ? हाँ हैंडल कर रही हो तुम, समझे? तो काम करना है तो बराबर से करो। आप अभी खुश होना है, कस्टमर भी खुश होना है। आपने ऐसा काम किया है, आपा को तुमने खुद लड़ाई है, आपा को तुमने ही बदनाम कर रही हो। आपकी वजह से आपा भी बदनाम हो रही है, कस्टमरों भी आपा के ऊपर शोरगुल मचा रहे हैं, समझे? अगर जितने भी बॉम्बे से हैदराबाद से वो तो इन्वेस्टर हैं, वो तो आपा के फैमिली, वो तो आपा के पास भरोसे से लगाए थे पैसे, मगर तुमने, तुम सोचना था कि आपा के ये फैमिली लोग हैं, इन्हीं के वजह से तो हम सब पल रहे हैं, पले जा रहे हैं, हम क्यों इनको ये करना है? ये तो आलतू फालतू लोग नहीं, ये तो नए कस्टमर नहीं हो रहे करके बोल के उनके लिए नए कस्टमर आए तो भी तुम ऐसा नहीं करना है, समझे? तो पहले आप एक काम करो, इस हीरा ग्रुप की कंपनी से फौरन निकल जाओ। आप ऐसे औरतों को रखने से नहीं रखना बेहतर है, तुम कहीं और नौकरी देख लो, नहीं तो आपा के पास घर बैठ के सैलरी लेके आपकी तकलीफ है, आपकी परेशानी है, या कुछ आपका घर चल रहा नहीं रही है, तो अभी छोटा सा मोटा सा कहीं एक नौकरी देख लो, वहाँ पेमेंट डाल लो, आपा आपको फ्री में कुछ पैसा दी तो ले लो। नहीं करना रहा, आपा के साथ में जुड़ के रहना है तो आपा का भी साथ दियो और जो इन्वेस्टरों का भी साथ दियो, और अच्छा काम करो। पैसा कमाना सो नहीं, लोगों का दिल में रहना है, तुम दिल जीतना है। तुम दिल जीतने की जगह दिल तोड़ने के काम कर रही हो, समझे? ये गलत है। एक काम करो, तुम पहले मदरसा चले जाओ, मदरसे में अदब एहतराम सबसे पहले सिखाएंगे, किस तरह से लोगों से पेश आना है, उस तरह से पेश आने का पहले वो सबक सीख के आ जाओ, उसके बाद तुम काम करो। मैं ही आपको महीने की कितनी सैलरी है बताओ, मैं ही सैलरी आपको दे दूंगी, ठीक है? तो बुरा मत समझना आबिदा, समझे? क्योंकि मैं आप तक आपको देखी भी नहीं, बात भी नहीं की हूँ। मैं किस लिए मैं बोल रही हूँ, तो यहाँ पर अच्छे अच्छे आपा के फाइटर लोग भी नाराज हैं आपसे, मालूम है? आपा के साथ जो 3 साल से आपा को सपोर्ट कर रहे, साथ दे रहे थे, रात दिन दुआएं कर रहे थे, और तुम्हारा आपा को सपोर्ट में रह के दुश्मनों से भी दुश्मनगी मोल ली, दुश्मन भी इनको कितने गालियां दिए, लड़े झगड़े रात और दिन की नींद हराम कर लिए लोगों ने, समझ में आ गए? क्यों नहीं आपा, आपा की हम, आपा हमारे लिए अच्छी थी, इतना अच्छा कर रही थी करके बोल के आपा तकलीफ, आपा अकेले हैं, आपा जेल चले गए, आपा को दुश्मन ने फंसाया है, चलो अकेले औरत उनको साथ देना का, ऐसा उनके लिए भी एक हमदर्दी से, एक इस्लाम की तरीक से वो अपनी बहन समझ के भी साथ दिए, और एक नाहक जो लोग इनको सता रहे उनका साथ देना करके वो भी तो सोच के ये करे, समझे? उनकी कंपनी बिगड़ ना जाए, उनकी कंपनी खड़ा करेंगे, उनको साथ दे दुकेरी, और ऐसा सोच के सब लोग किए, तो आप आके एकदम से दोनों में नाइतफाकी डाल दी आबिदा, ये गलत है, याद रख लो। किसी के दिल को नहीं तोड़ना है और दोनों में नाइतफाकी नहीं करना है, सुलारामी करने का है। हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, अगर हम तकलीफ दे देंगे ना, खुदा तआला हमको तकलीफ दे देगा, हम ही तकलीफ में आ जाएंगे। तो बेहतर है आप खामोश के, तुम कुछ भी रिक्स मत लो। जो भी लोग आएंगे आपा को ऑफिस को, फर्स्ट अपॉइंटमेंट लो और बोलो आपा फलाने लोग आए ही, मैं कुछ नहीं बात कर सकती, आप ही आपकी फैमिली है, बात कर लो। आपा जब इजाज़त देगी ना, तो आपा खुद ऑफिस में आके बैठ के लोगों को बात करना है, और घर में हो या ऑफिस में, आपा सामने फेस टू फेस बात करना है, क्योंकि लेवा देवी दोनों में हुआ है, तुम नहीं है। तुम कई, तुम क्या है जो फूड फूडेक्स का हो, या सोने का शॉप हो, ज्वेलर्स हो, या कुछ भी हो, उसको तुम नए कस्टमर को हैंडल करना है। पुराने कस्टमरों को तुम बाकायदा उनको बुला के, इज्जत दे के, बिठा के, कुछ चाय पानी पिला के, उनके तकलीफ सुन के, और सब मई करके आपा को बोलना, आपा तुम्हारे कस्टमर्स आए ही, तुम्हारे फैमिली आए ही, आपा कुछ आपसे इजहार करना चाहते हैं, मैं नहीं सुनेंगी, आप सुन लो आपा, आप जो सामने हैं आके बात कर लो, बस खत्म, हिस्सा खत्म हो जाएगा। तो ये करने की जगह आपने तो बहुत काम कर दिए, आपकी वजह से लोग बहुत गुस्से में ही, बहुत परेशान में, आप ही की वजह से लोग एफआईआर करने चले गए, समझे? आपके रवैया से लोग में
समझ में आया है, यहाँ ग्रुपों में भी बस सब लोग लड़ाई पंचाता है, आपस में एक दूसरे से दुश्मन हो गई, एक दूसरे के लड़ाई झगड़े में पड़े ही, फसाद हो रहा है। तो तौबा कर लो, फौरन जाके जुम्मा है शाम पढ़ते, या अल्लाह मेरे से क्या गलती होगी, मुझे माफ़ कर, मैं जो गलती किया है, मैं लोगों से जो गलती के जरविया करिया है अल्लाह, पता नहीं मुझे क्या सिर पे शैतान सवार था, मैं लोगों के साथ ऐसा गलत बर्ताव की, मुझे माफ़ करके सर पे पटक के सर गिड़गिड़ा के रो के माफ़ी मांगो। समझ में आगा, कम से कम 1,00,000 तस्बीह इस्तिगफार की करो, तभी तो अल्लाह आपको माफ़ करेगा। समझे, इंसान जब सुबह से शाम तक, चाहे सुबह शाम तक घर पे रहो या बाहर हो कहीं भी रहो, जाने अनजाने में से क्या क्या गलती होती ही करके फौरन माफ़ी मांगना, तो अल्लाह माफ़ कर देता है। आप बहुत बड़े गलतियां की ही, तो फौरन अल्लाह से माफ़ी मांगो, उसके बाद ग्रुप में भी आप आके बात करके सबसे माफ़ी मांगो। रही बात आज तक तुमने ग्रुपों के साथ जितना लोग आपा के साथ और दुश्मनों के साथ फाइट करते गए थे, तो आपकी कभी भी एक आवाज़ नहीं आई कि मैं आपा के हक में लड़ूं, मैं भी तो आपा की एक मेंबर हूं, मैं भी तो आपा के साथ में काम कर रही हूं, आपा को तो मैं तो जमाने, तुम तो जमाने से देख रही हो, आपा क्या अच्छी है क्या बुरी जानती हूं, मगर तुम भी तो लोगों का साथ सपोर्ट देना। कभी भी ना दुआ की, ना आपा, ना तुमने दुश्मनों को लड़ी कुछ रही, ये मतलब ही मकसद के कामा नहीं रहना। जब तुम वाकई में हिम्मत वाली बहादुर सच्चाई, तो फेस टू फेस मुकाबला करो। डरने की किसकी बात क्या है, डरना नहीं, सिवा खुदा के सिवा किसी और को नहीं डरना है। समझे, जब सच्चाई का काम करे तो अल्लाह ताला ताकत दे देता है, हौसला बुलंद रखता है। जब हमारे में कमीनापन रहता है, हमारे में चोरपन रहता है, कमीनापन रहता है, हमारे में खुदगर्ज मतलब रहते हैं, तो हमें क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं मालूम है, खामोशी इख्तियार रखते हैं, ताला लगा के रखते हैं कि हमको दम नहीं रहता बात करने के लिए। अरे अपनी आप औरत है तो दम निकालो, समझ, सच्चाई के लड़ो, हम भूखे रह जाएं, एक टाइम का खाना खुदा ताला देने दो, मगर सच का साथ देना है, हक का साथ देना है, सबके साथ में अच्छा सलूक करने की कोशिशें करो, तभी तो आपकी ज़िंदगी में अच्छा अच्छी हो जाएगी ज़िंदगी। हम आए ही दो दिन के लिए, एक दुनिया और एक दीन, दो भी करना है। समझे, ये नहीं कि दुनिया पकड़ लेके बैठ जाए, दीन को कमज़ोर, अरे आप तो कमज़ोर औरत दिखती है, दीन पर है पहले, दीन की, दीन में जब दीन पढ़ोगी ना तो हिम्मत बहादुरी आएगी, कमज़ोरपन दूर हो जाएगा। जैसा मुझे हिम्मत आ रही है ना, ये मुझे रूहानी हिम्मत है, जब मुझे खुदा की पूरा पूरी तरह से मुझे हिम्मत और ताकत है, मेरे अल्लाह रसूल के कलाम में, जो कलाम में ताकत है, जो ईमान में ताकत है, जो सच्चाई में ताकत है, जो हलाल रोजी खाते ही, जो सच को सच झूठ को झूठ समझते ही ना, उन्हीं में एक कुव्वत पैदा हो जाती है। आप ऐसी कुव्वत पैदा करो, समझे आबिदा, तो फौरन आज ही तुम ये करके कल ग्रुप में आके सबके साथ अच्छे से बात करके अपना आपा की कंपनी खड़ा करना, आपा की इज्जत बचाना रहे, लोगों को इन्वेस्टर का पैसा देना है तो आप आके बात करो, नहीं तो मैं फोन में ही बात कर सकती थी, अभी नहीं मैं, क्योंकि ग्रुपों में सब ये परेशानी में है, आप आके बात करो, बाद में बात करूंगी। नंबर एक हो गया, अब नंबर दूसरा मैं मैसेज करूंगी।